गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आवर डी बुक। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज अभी बजे है शाम के 4:30, तो मैं अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज संडे है और आज हम लोगों के पास इनविटेशन आया है। आज नहीं, कुछ दिनों पहले ही इन्विटेशन आया था, लेकिन कितना इन्विटेशन आया है, एक दिन का 3 इन्विटेशन। तो तीनों जगह में आई डोंट नो इधर हम लोग अटेंड कर पाएंगे कि नहीं। दो तो हम लोग कन्फर्म है अटेंड करेंगे, थर्ड वाला अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दे सकते। तो यही है, अभी शाम के 4:30 बजे है, लंच हो गया है, छत से कपड़े भी लेके आ गई मैं, कपड़े फिर समेट भी लिया, सब कुछ हो गया। शुभंकर गया है अपने फ्रेंड के घर में, उसी के घर में आज एक पार्टी है तो वहीं पे गया है वो। तो अभी तो मेरा कुछ काम नहीं है, शाम थोड़ा सा धूप ढल जाए तब मैं अपने पौधों में पानी दे दूंगी, बिकॉज इतना गर्मी पड़ गया है ना गुवाहाटी में 2-3 दिनों से, इट्स टू हॉट इन द मॉर्निंग। तो पेड़ पौधों को भी थोड़ा पानी देने की जरूरत है, तो उनको मैं दे दूंगी, देन शाम की चाय पियेंगे और उसके बाद से रेडी होना स्टार्ट करूंगी। 3 पार्टीज अटेंड करने हैं, देखती हूँ कितने में जा सकते हैं। तो वही बात है आज का। और यार, मेरा तबीयत भी कुछ दिनों से बहुत खराब चल रहा था, मेरा शुभंकर का दोनों का। मेरा तो आवाज अभी भी ठीक नहीं हो पाया है, कफ हो गया है, तो ऐसे ही चल रही हूँ मैं कुछ दिनों से। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए ये व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। तो सूरज ढल चुका है और मैं आ गई हूँ अपने प्लांट्स में पानी देने के लिए। तो पहले इनको पानी डाल लेते हैं इनमें। इसमें से एक छोटू सा प्लांट भी निकल आया है, ये देखिए, इसमें से एक प्लांट निकल आया है ऑलरेडी। और ये वाला मेरा मनी प्लांट। तो शाम हो चुकी है ऑलरेडी और शुभंकर भी आ गया है अपने फ्रेंड के घर से। चाय नहीं पियोगे? कुछ नहीं खाओगे पियोगे? कुछ नहीं, अभी 3 पार्टी में जाना है तो अभी खाऊंगा तो कैसे होगा। हाँ, आज हम लोगों का इनविटेशन 3 पार्टीज का है, तो वही पे जाने का प्रिपरेशन करा। रेडी होना स्टार्ट कर दूँ क्या मैं? रेडी हो जाओ, इतना जगह पे जाना है हम लोगों को। माँ है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो रेडी हो जाओ। तो मेरा शाम का चाय रेडी है एंड ये ट्रे देखिए इतना क्यूट है, मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ इसको। क्यूट है ये, तो छोटू सा है ना, इसलिए क्यूट लगता है मुझे बहुत। और मैं अभी चाय पीऊंगी आराम से, तुम ले लो बिस्किट, कौन सा नहीं खाऊंगा मैं, नहीं खाऊंगा, बाद में तो टिकी लोगे। नहीं खाऊंगा, आजकल कंट्रोल में हूँ मैं, हाई बीपी, आई एम डायग्नोस्ड विथ हाई बीपी। सो शुभंकर इज डायग्नोज विद हाई बीपी एंड आई एम डायग्नोज विद लो हीमोग्लोबिन। सो अभी जो है कुछ दिनों के लिए मैं खाना बंद कर रहा हूँ, वंस एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल देन आई विल स्टार्ट हैविंग एवरीथिंग। और मैं, मेरा तुम्हारा चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा लो एकदम लो हीमोग्लोबिन है मेरा। हाँ, तो हो जाएगा, अच्छा अच्छा खाना पड़ेगा। हाँ, खा लेना, मैं ला के दूंगा ना, स्मूदी बना के दूंगा तुमको, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी चाय पी लो तुम, मैं भी एक मूवी देख रहा हूँ, मूवी में कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइनली पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, यहाँ पे ज्वेलरी लेके बैठी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि हम लोगों का जो एनिवर्सरी में हम लोगों को गिफ्ट मिला गोल्ड ज्वेलरी वो दिखा दूँ। और शुभंकर को मैंने क्या दिया वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो यार, सबसे पहले शुभंकर का दिखाती हूँ, आई गेव हिम दिस ब्रेसलेट, दिखाओ सामने से, और ये आज पहन के जाएगा वो। हाउ इज इट, अच्छा है ना? नाइस। ये वाला मैंने शुभंकर, आई हैड नी वेयर गोल्ड एक्चुअली। हाँ, वो गोल्ड पहनता नहीं है। और मुझे क्या मिला, आई गॉट दीज इयर रिंग्स जो कि मैं आज पहन के जाने वाली हूँ। अच्छा nice, है ना? Nice, nice. उसके घर से मुझे ये मिला है। और कहा गया, हाँ, उसके मौसी ने मुझे ये दिया, शुभंकर की मासी ने मुझे ये रिंग दिया है जो कि मेरे ये उंगली में फिट आता है, तो आई विल बी वेयरिंग इट हियर, ये वाला। या नो, यू शुड वेयर दैट वन। व्हिच वन? द बिग वन। द बिग वन, अच्छा ठीक है। और मैं देखती हूँ, ये वाला तो नहीं है,
इयररिंग है मुझे जो मिला है मेरी मौसी की तरफ से, दिस वन I'm sweating. ये है एक और जो मेरी मौसी की तरफ से मिला है, क्या लड़की होने का फायदा। और ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है एक क्रिस्टल का, ये मैं मैचिंग करके पहन सकती हूँ। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था, ये जो लॉकेट है ये मुझे मम्मी ने दिया है, ये देख लो। नहीं ऐसा सीधा करो तुम। अच्छा ये वाला, दिस इज नॉट हाउ यू होल्ड इट। यस ये लॉकेट मुझे मेरी मम्मी ने दिया है, ये लॉकेट मुझे बहुत पसंद आया था तो मम्मी ने कहा कि तुम इसके साथ ही रख लो। और ये एक शुभंकर के चाचा ने दिया है दिस लॉकेट। मंगलसूत्र और ये वाला उसकी मौसी ने दिया है, शुभंकर की एक और मौसी ने दिया है जो मैं आज पहनने वाली हूँ। चोकर, एक चोकर है, पहन लो पहन लो। ठीक है तो गाइस अभी खत्म हो गया, बिकॉज आई एम स्वेटिंग, आई एम जस्ट टेकिंग। नहीं 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 रुको, देख लीजिए और कुछ बाकी है क्या, बिकॉज हाँ ये मैं पहन लेती हूँ फिर तुम्हें एक फोटो लेना अच्छे से। ठीक है यही है मेरा एनिवर्सरी का गोल्ड ज्वेलरी, मुझे जो जो मिला था ना ये सब मिला है। आई ये उंगली, ये अंगूठी बहुत सुंदर है, इयररिंग्स भी मुझे बहुत पसंद है तो मैं आज गोल्ड ही पहन के जाऊंगी। ऑलराइट लुकिंग नाइस। सो आई एम रेडी और एक देखिए दो फ्लावर्स भी लगाए हैं मैंने बालों में एंड फुल व्यू में। एक मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ, दिस इज माई लाइक सामने से मैं ऐसी दिखती हूँ, आई मीन मेकअप ऐसे किया है और बालों में फ्लावर्स लगाए हैं एंड साड़ी का फुल व्यू दिखाती हूँ एक मिनट। ओके सो दिस इज द साड़ी दैट आई हैव वर्न, एक कांजीवरम है, ये कांजीवरम सिल्क है जो कि अराउंड एट ईयर्स पुराना है। तो इसको मैंने पहना है बहुत दिनों के बाद पहना है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट साड़ीज। तो दिस इज हाउ आई हैव ड्रेस्ड अप टुडे फॉर द इवनिंग फॉर अटेंडिंग थ्री पार्टीज। तो या आप लोगों को भी पार्टीज में लेके चलती हूँ मेरे साथ, डू कम विथ मी। सो फाइनली रेडी होके निकल गए हैं हम लोग। Let me know how I'm looking. तो हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में आ गए हैं और शुभंकर क्या हो गया पार्क उसको क्या हो गया बताओ? कुछ नहीं, पार्किंग का बहुत मचा है यार। बहुत गुस्सा आ गया था तुमको, गाड़ी उठा नहीं पा रहा था बेचारा। जगह में हम लोग आ गए हैं, मतलब ऑलरेडी खाना वाना खा लिया है, अभी पार्किंग में खड़े हैं, लेकिन हम लोगों की गाड़ी के पीछे एक और पार्किंग गाड़ी पार्क करके रखा है, इसके वजह से हम लोग अपना गाड़ी निकाल नहीं पा रहे। और शुभंकर तो है ही शॉर्ट टेम्पर्ड, वो थोड़ा गुस्सा हो गया। तो एनीवे अभी ये कहाँ पे पता है, ये हम लोग का जहाँ पे एनिवर्सरी हुआ था ना वहीं पे हम लोग आए थे। तो यहाँ पे हो गया पार्टी, हम लोगों का खाना और दो जगह अटेंड करना है, तो यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी निकल चुके हैं। आज मैंने घड़ी भी नहीं पहना, तो या अच्छा डेकोरेशन था, अच्छा खाना था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाया। अभी जाएंगे सेकंड जो शुभंकर के फ्रेंड का अन्नप्रशन है, राइस सेरेमनी है, वहाँ पे जाएंगे। देन और एक एनिवर्सरी रिसेप्शन है, वहाँ पे जाएंगे। तो तीन जगह है आज, तो आप लोग बताइएगा हाउ आर माई लुकिंग। पहले भी पूछा है और एक बार पूछ रही हूँ, बताना ज़रूर। सो दिस इज़ आवर सेकेंड डेस्टिनेशन और यहाँ पे आके हम लोग खाना स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने सब जगह में थोड़ा थोड़ा खाना टेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो सबको बुरा मान जाएंगे। तो या आते ही खाना स्टार्ट, ये राइस सेरेमनी है तो बलून से डेकोरेट किया है। यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट है, बाहर बैठने का अरेंजमेंट है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। पहले हम लोग आते खाने पे टूट पड़े हैं, खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का अरेंजमेंट। और यहाँ पे शुभंकर तो बात करने में बिजी है, एक ही प्लेट में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। अभी कंप्लीट हो गया है, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है ना शुभंकर, मुझे मतलब ऐसे खींच खींच के लेके जा रहा है, खींच खींच के लेके आ रहा है। व्हाट
ऐसा ही करना है। अभी नंबर थ्री, अभी टाइम है नंबर थ्री जगह में जाने का। गाड़ी का लाइट ऑन कर लिया, हम लोग नंबर थ्री जगह में जा रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन हम लोगों का। और मतलब जितना जल्दी जल्दी हो पा रहा है कर रहे हैं, बिकॉज शुभांकर का अपने फ्रेंड के रिसेप्शन में तो एकदम अटेंड करना ही करना है। तो जा रहे हैं हम लोग, और गिफ्ट हम लोग घर में ही भूल गए, तो वापस अभी घर जाएंगे, घर से गिफ्ट कैरी करेंगे, देन जाएंगे। घर के पास ही है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आई गेस। ओ माई गॉड, मैं इतना आई एम लाइक स्वेटिंग, इतना जल्दी 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 सब कुछ हो रहा है। तो अभी चलिए चलते हैं, मेरा गला भी बिल्कुल बैठ गया है, तो चलते हैं थर्ड डेस्टिनेशन में और फिर घर जाके रेस्ट एंड कल सुबह ऑफिस। दैट इज हाउ आई एम मैनेजिंग माय लाइफ। तो चलिए गई हूँ एंड आई एम रियली एग्जॉस्टेड। इट्स 11 और पता नहीं अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं टायर्ड हो गई हूँ। और शुभांकर मुझे ड्रॉप करके घर फिर से अपने फ्रेंड के यहाँ चला गया है, तो उसको आने में अराउंड 1-1.5 आवर लग जाएगा आई होप। तो इन द मीन टाइम मैं चेंज कर लेती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ, कल ऑफिस है। तो यार तीन पार्टीज आज हम लोगों ने अटेंड किया है, लाइक हाइट्स ऑफ लाइक क्या बोलो इसको, आई डोंट हैव वर्ड्स। कहीं भी अच्छे से लेकिन मतलब बैठना नहीं हुआ, हर जगह हाफ एन आवर करके हम लोग रुके, बिकॉज वी हैड लाइक टाइम इशू था, टाइम क्रंच था। तो या ऐसा ही गया आज का हमारा दिन, फिर आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह, ठीक है। चलिए सो जाइए अभी आप लोग भी, मैं भी सो जाती हूँ, गुड नाइट। मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो आज है नेक्स्ट डे और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, सुबह उठ के नहा धो के रेडी हो गई हूँ ऑफिस के लिए। तो कल तो बहुत हेक्टिक था हम लोगों का दिन और आज सुबह फिर से हेक्टिक डे स्टार्ट होने वाला है, मंडे ब्लूज। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट करना बाकी है और उधर पे शुभांकर देख लीजिए इसको, ये हमेशा इसी पोज में रहता है, इसी जगह में रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस। कल वो मुझे या घर ड्रॉप करके फिर से वो एंजॉय करने के लिए चला गया था, वो अकेले अकेले एंजॉय करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गया नहीं था तो लाइक एक दो घंटा ज्यादा रह के आया, बट आई गॉट बैक कार्डली। फिर ये आके ना, ये आके फिर मुझे फोन करके फिर से मुझे जगा दिया, फिर मैं उठ के दरवाजा खोल के फिर ये अंदर आया। तो मेरा भी नींद इतने अच्छे से पूरा नहीं हुआ है आज, और आजकल तो शुभांकर जिम जाना छोड़ दिया है, तो मेरा भी जाना नहीं हो रहा है उसके वजह से। तो आज से मैं जाऊंगी, मैंने डिसाइड किया है कल से मैं जाऊंगी ही एनी हाउ। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन दिन का शुरुआत तो हुई क्या है ऑलरेडी। ब्रेकफास्ट और लंच भी यहाँ पे रेडी है। एंड All right, so she's having chai, roti and soybean and I'm not allowed to have soybean because it has protein. So I'll have, by the way, because BP mera normal ho gaya, so no problem with that. So, breakfast karke jaldi jaldi nikal jaungi. Theek hai, chalo, already 9:15 ho gaya, so I have to go. Bye. ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ और अभी ऑफिस जा रही हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर चैनल आवर डेबुक। पता नहीं आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट, बिकॉज बहुत ट्रैफिक है रास्ते में। तो चलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।